हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका मित्र प्रदीप गौर एडवोकेट। आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के बारे में। आइए शुरू करते हैं। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 को इस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था कि जानवरों को अनावश्यक कष्ट के दंड से न गुजरना पड़े। धारा 11 स्पष्ट करती है कि परिवहन के दौरान किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाना एक अपराध है। इस अधिनियम के तहत खचाखच भरे वाहनों में मवेशियों को बांधना गैरकानूनी है, और तो और किसी भी हानिकारक चीज का इंजेक्शन देना और जहरीला खाना परोसना भी गैरकानूनी है। धारा 11 का ऐसा कोई भी उल्लंघन 100 रुपये या इससे अधिक के अर्थदंड से लेकर 3 महीने की सजा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के मुताबिक किसी भी जानवर को अपाहिज बनाना या चोट पहुंचाना गैरकानूनी है। गायों पर तेजाब फेंकने, गली के कुत्तों और बिल्लियों को चोट पहुंचाने जैसे कृत्य भी दंड की परिधि में आते हैं, जो सड़क पर कई लापरवाह चालकों के लिए एक चेतावनी है। कारों द्वारा सड़कों पर कुत्तों, बिल्लियों और गायों को चोट पहुंचाना या मारा जाना भी संहिता के अनुसार गैरकानूनी है। ऐसे अपराधियों को या तो स्थानीय पशु सुरक्षा समूहों या किसी पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया जाता है और उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है। दोषी को कम से कम 20,000 रुपये का जुर्माना या 5 साल तक के कारावास से या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स।